दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि YT स्टूडियो में ऑडियंस सेक्शन वाले में जो व्यूवर्स का ग्राफ होता है वो कितने सब्सक्राइबर पे मिलता है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले अपना सब्सक्राइबर दिखा देता हूँ कि मेरे चैनल पर भी कितना सब्सक्राइबर है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे चैनल पर जो भी 254 सब्सक्राइबर ही है, लेकिन फिर भी मुझे व्यूवर्स का ग्राफ मिला हुआ है। तो ये ग्राफ कैसे और कितने सब्सक्राइबर मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यूवर्स का ग्राफ आपको रिटर्निंग व्यूवर्स पे मिलता है। मतलब अगर आपके चैनल पे 300 प्लस रिटर्निंग व्यूवर्स हो जाएंगे तो आपको जो ये ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ग्राफ को लेना चाहते हो तो आपको अपने चैनल पर रिटर्निंग व्यूवर्स को गेन करना होगा, तो ही आपके चैनल पे ये ग्राफ अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि आपको जो ये व्यूवर्स का ग्राफ सब्सक्राइबर पे नहीं, आपको रिटर्निंग व्यूवर्स पे मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।